माध्यमिक विद्यालय रावटी में पदस्थ शिक्षक दंपति का ट्रांसफर, ग्रामीण पालकों ने किया विरोध की तालाबंदी, तबादला रोके जाने की मांग की। गरोड़ से एकीकृत माध्यमिक विद्यालय रावटी में लगभग 20 सालों से पदस्थ शिक्षक पूर्व सिंह मुजावदा एवं उनकी पत्नी शिक्षिका श्रीमती जमाना मुजावदा अध्यापन का कार्य कर रहे थे। अभी कुछ ही दिन दोनों का यहां से ट्रांसफर होने का आदेश आ गए थे, जिनका ग्रामीण और पालकों ने घोर विरोध किया और आज इसी के चलते विरोध स्वरूप स्कूल में तालाबंदी कर दी गई। ग्रामीण और पालकगण गुमान सिंह पूर्व सरपंच, वर्दी सिंह, कुशाल सिंह उप सरपंच, कमल सिंह, कुशाल सिंह, मदन सिंह, शंकर सिंह, उमराव सिंह, शंकर सिंह ने बताया कि दोनों शिक्षक शिक्षिका का पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। हम सब ग्रामीण इनके व्यवहार से खुश है। हमारे बच्चे अध्ययनरत रहकर उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि शिक्षक भूरू सिंह मुजालदा और शिक्षिका श्रीमती जमाना मुजालदा का ट्रांसफर निरस्त किया जाए। मामला बढ़ता देख तहसीलदार श्रीमती प्रियंका मिमरोट और बीओ भगवान सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा की। समझाइश से विद्यालय के ताले खुलवाए गए, फिर भी पालकगण शिक्षक शिक्षिका को वापस यहीं पर पदस्थ किए जाने की बात पर अड़े रहे। जब इस विषय में बीओ भगवान सिंह चौहान ने चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि माध्यमिक विद्यालय रावटी में ग्रामीण से मांग पत्र ले लिया गया और शासन को भेज दिया गया। वर्तमान में विद्यालय का ताला खुलवाकर अध्यापन कार्य किया जा रही है। बढ़िया रखे माए बढ़िया साफी बोले सभी काम हो करियो ना बच्चे की छुट्टी नहीं करा दे बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे अच्छे पढ़े फिर क्या हुआ आपको कुछ पता चला नहीं सजा सर उनका ट्रांसफर हुआ मालूम पड़ी नहीं सरी बनाने ले मैं मोबाइल पर आया जो उन्होंने बताया कि मेरे ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे अब क्या करे काले सब रोया आपको स्कूल रोयो ये मैं हेता ने मैं भी रोई सर भी आना मांगा घर का मना ये जो वही है सर भी आना चाहिए बढ़िया पढ़ाई रहा ना आपे कहो भी आना चाहिए दो जना कौन सी राजनीति हो रही है राजनीति ट्रांसफर कराया होगा आवास को लेके वो आवास में रह रहे थे तो बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं ने